बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, वो भाभी है हमारी। ठीक है भाभी जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। पंजाबन हो जी। कुछ लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास गर्लफ्रेंड तो है नहीं, हम फिर भी रील बनाएंगे क्योंकि गाना अच्छा है यार। भाई ये तो बिग बॉस वालों को बताओ, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो मुझे बुलाएंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी बाकियों के लिए। और युविका बहुत ही क्यूट लग रही है उसके अंदर, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ। प्रिंस नरूला को पापराजी ने किया स्पॉट। अपने नए सॉन्ग के बारे में बात करते नजर आए प्रिंस। तेजस्वी प्रकाश को दी जीत की बधाई। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, भाभी है हमारी। ठीक है भाभी जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। पंजाबन हो जी। करण कुंद्रा के सेकंड रनर अप बनने को लेकर जताया शौक। कहा करण को होना चाहिए था बिग बॉस 15 का विनर। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, वो भाभी है हमारी। ठीक है भाभी जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। पंजाबन हो जी। तो वो जीते, करण जीते, अब बात एक ही है। हाँ, पर मेरे लिए हमेशा, मैंने जैसे बोला तो थोड़ा बायस हूँ, मेरे लिए हमेशा करण नंबर वन है, है ना। और वो नंबर वन ही है। कल उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया यार, उसकी लाइव पे 1,11,000 शायद लोग थे जो भी रिकॉर्ड तोड़ा उसने, है ना। So, ये प्यार शो करता है कि तुम्हें जनता से कितना प्यार मिला है। और जिस तरह टॉप टू की बात करूँ, टॉप टू में काफी सरप्राइज थे कि वो तेज रन को ही देख रहे थे टॉप टू में। क्या आप सरप्राइज थे टॉप टू में? देखो सर, बहुत सरप्राइज था। मैं तो रन को, सॉरी, रन को मैं नंबर वन पे ही देख रहा था, सेकंड पे भी नहीं। पर मैं प्रतीक ने भी अच्छा खेला यार, है ना। प्रतीक ने भी उतनी मेहनत करी है जितनी सबने करी है, और उसका उसको भी दुनिया उसके साथ इसलिए अटैच थी क्योंकि वो भी ना किसी चीज़ से, जब मतलब उसको कोई जानता नहीं था जब उसने अपना पैर रखा था। और वो मेरे एक रियलिटी शो में था, लव स्कूल में, जहाँ पर मैं उसको यू नो एक शील्ड देकर आया था, जहाँ से उसने शो कम बैक किया था। तो मुझे हमेशा पता रहा उसमें कुछ है जो आगे जाएगा हमेशा। पर मैं करण जब थर्ड रैंक पे बाहर निकला था तो मैंने टीवी बंद कर दिया था, ठीक है ना, और मैं सीधा बिग बॉस चला गया था करण को मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये ठीक नहीं है, फेयर नहीं है जो भी हुआ है। बट वो मेरा भाई है, मुझे उसके पास जाना था कि मुझे संभाल। और तेजस्वी ने शमिता शेट्टी को कुछ कहा था जिसमें बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के काफ़ी लोग उनके लिए सपोर्ट के लिए आए थे, तो आपका क्या कहना है? भाई देखो, बताता हूँ, टीवी वाले, टेलीविजन वाले, मैं इतनी किसी की परवाह नहीं करता। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि वो जब खुद सीजन खेलते हैं या खुद जब कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो वो सब सेम चीज़ें करते हैं, है ना। और अदरवाइज हम किसी को जज नहीं कर सकते क्योंकि उस घर के अंदर हज़ार चीज़ें हो रही हैं जो हमें नहीं पता, ठीक है, कि क्या क्या सिचुएशन में आ रहे हैं। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट बहुत चीज़ें निकलती हैं। जो तेजा ने बोला वो गलत है, श्योर गलत, ठीक है ना। और उसकी सिचुएशन क्या थी वो उन दोनों को पता है, वो उन दोनों को हैंडल करने दोनों। जनता जो मज़े लेने आती है वो मुझे कभी समझ नहीं आती कि हाँ ये वो ये वो। आई थिंक वो बिग बॉस में हैं, वो इतने बड़े घर में खेल रहे हैं, वो दोनों मेच्योर हैं, वो एक दूसरे की फाइट हैंडल कर सकते हैं, उन्होंने किया और सामने। और बात करें तो शमिता शेट्टी जी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शमिता। और मैं बताऊँ शमिता जी के, मैं बोलना चाहूँगा कि जब वो बिग बॉस में OTT में आई थी तो मुझे वो ठीक ठीक लगे थे, ठीक है ना। और जब उन्होंने अभी खेला है बिग बॉस में पूरी जर्नी, मेरी वाइफ ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा खेला, डिग्निटी के साथ खेला है कि लोगों को बहुत पसंद आया। और लोग जैसे वो जो करना चाहते थे कि वो शिल्पा शेट्टी की बहन नहीं, शमिता शेट्टी है, तो उन्होंने वो प्रूव कर दिया। एंड बिग बॉस 16 में क्या हम आपको एज ए सीनियर गेस्ट देख सकते हैं? भाई ये तो बिग बॉस वालों को बताओ, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो मुझे बुलाएंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी बाकियों के लिए। तो यस, होपफुली आई थिंक कभी ऐसा होगा कि जब मैं उस घर में जाऊँगा और लोगों को फिर से एंटरटेन करूँगा, कैसे कर सकते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि यार बाकियों को, मैं अपना सीजन कर चुका हूँ, मैं बार बार जाने से अच्छा है कि तुम एक ही बार जाओ, क्योंकि अब जो नेक्स्ट सीजन होता है वो बाकियों को दिखाने का होता है कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर हम हर साल जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग भी बोर हो जाएंगे, यार ये हर साल आ जाता है उसके, है ना। अभी हमारे मुंह से निकलता है ये जो कई बार जाते हैं हर साल, या जो फिर आ गए यार, फिर आ गए, है ना। तो हम खुद पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि अगर इस ये हमने अपना मौका ले लिया था, अगर हमने उसमें कुछ नहीं किया, हम अगले सीजन में आके क्या उखाड़ेंगे। 24 घंटे में 1.5 मिलियन हो चुका है यार, ठीक है। आई थिंक बहुत सारा प्यार मिल रहा है, रील्स पर भी ट्रेंडिंग शुरू हो गया वो, एंड बहुत लोगों का पॉजिटिव, मतलब 99% लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स है नीचे जिन्होंने गाना सुना है, क्योंकि वो गाना बहुत ही प्यारा है। वैलेंटाइन के लिए हमने गाना निकाला है, लोगों को जिनकी जो प्यार करते हैं उनके लिए गाना है ये। सो आप जाकर सुनना, जिसे नहीं सुना सकती, नाम है उसका मेरे अपने लेबल पे, विनिंग रिकॉर्ड्स पे। आपको बहुत प्यारी वीडियो लगेगी, और युविका बहुत ही क्यूट लग रही है उसके अंदर, मैं भी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ, पर युवी बहुत क्यूट लग रही है।
सो आप मुझे सुन के बताना क्या वो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताना नीचे गाना कैसा है। जिस तरह की केमिस्ट्री लग रही है, फैंस आते थे आप दोनों आए और वैलेंटाइन डे से पहले ही गिफ्ट दे दिया आपको, जी किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स है यार। कुछ लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास गर्लफ्रेंड तो है नहीं, हम फिर भी रील बनाएंगे क्योंकि गाना अच्छा है यार। क्योंकि होता ना कि वैलेंटाइन पे बहुत स्पेशल डे होता है जब लोग अपने वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं कुछ बनाएं। तो मेरे को था कि यार एक थॉट लगे कि मुझे उनके लिए गाना बनाना है इस साल, क्योंकि पिछले दो साल से मैं प्लान करता था कि वैलेंटाइन के लिए कुछ बनाऊंगा, मैं हमेशा रह जाता था किसी और चीज़ के लिए बन जाता था। तो इसलिए पहले स्पेशल ये था कि इस साल में पहला गाना तभी छोड़ूंगा जब वैलेंटाइन आ रहा होगा। तो अभी हर 15 दिन के बाद एक गाना है, मतलब इस साल मेरे 17-18 गाने रेडी हैं जो मुझे बैक टू बैक रिलीज करना है, तो आपको तो मैं मिलता रहूँगा। लास्टली सखियों के बाद क्या कुछ धमाकेदार सखियों के बाद एक मेरा गाना आ रहा है जो थोड़ा गैंगस्टर फील है, पंजाब का काफिला, और उसके बाद आ रहा है जोड़ जोड़। और ये सारे गाने इतने प्यारे हैं कि हर गाना एक दूसरे से अलग है और उतना ही पसंद आएगा आप सबको जितना गाने ये पसंद।